वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन। जी नहीं, ये किसी कुकिंग ऑयल का विज्ञापन नहीं बल्कि एक खबर है। ये बात और है कि इस खबर का कनेक्शन इस कुकिंग ऑयल ब्रांड से भी है और इस ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली से भी। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और बीसीसीआई के मुखिया सौरभ गांगुली को दिल का दौरा न पड़ता तो आज आप ये खबर ना देख रहे होते। दरअसल दादा का कनेक्शन बीसीसीआई के साथ साथ अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी विल्मार से भी है, क्योंकि सौरभ इनके कुकिंग ऑयल ब्रांड फॉर्च्यून को इंडोर्स करते हैं। मगर दादा को दिल का दौरा पड़ने के बाद कंपनी ने सौरभ गांगुली के सभी विज्ञापनों को हटा लिया है। यहां तक कि कंपनी के वेबसाइट से भी सौरभ गांगुली अब नदारद हैं। अडानी ग्रुप की इस वेबसाइट पर कभी सौरभ गांगुली की तस्वीरें हुआ करती थी, मगर आज वहां क्या है ये आप खुद ही देख लीजिए। दरअसल इस कुकिंग ऑयल की टैगलाइन थी सेहतमंद तेल। सौरभ गांगुली इसके ब्रांड एम्बेसडर थे। लॉकडाउन के दौरान लोगों के दिल का ख्याल रखने के नाम पर इस कुकिंग ऑयल की जबरदस्त बिक्री भी हुई। जाहिर सी बात है कि कंपनी उनकी फिटनेस को अपने ब्रांड से जोड़कर अपना प्रोडक्ट प्रमोट कर रही थी। मगर सौरभ को दिल का दौरा पड़ने के बाद कंपनी का दांव उल्टा पड़ गया। सोशल मीडिया पर इस बात को लेकर कंपनी को जमकर ट्रोल किया गया। कंपनी की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए गए, जिसके बाद क्राइसिस मैनेजमेंट के तहत कंपनी ने सौरभ गांगुली के विज्ञापन हटा लिए। ब्रांड की क्रिएटिव एजेंसी अब इस मामले को देख रही है और नए कैंपेन पर काम कर रही है। गांगुली को पिछले साल जनवरी में फॉर्च्यून राइस ब्रांड ऑयल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। लॉकडाउन पीरियड के दौरान बनाए गए इस विज्ञापन में वो हार्ट की देखभाल को बढ़ावा देते नजर आते हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और देश और दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।